हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जैसे ये जो ब्लाउज़ की कटिंग हम करते हैं तो चेस्ट के हिसाब से हमें गले की स्लीव्स की चौड़ाई कितनी रखनी है। क्या हो जाता है, जैसे हम ब्लाउज़ का गला निकालते हैं या आर्मोल निकालते हैं, लेकिन स्लीव्स की चौड़ाई जो है बहुत बेसिक वीडियो है तो स्लीव्स की चौड़ाई जो है वो निकालना नहीं आता है। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको इस वीडियो में स्लीव्स की चौड़ाई कैसे निकालनी है, क्योंकि स्लीव्स की लंबाई तो हम नाप लेते हैं, उसमें आपको कितना एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है वो भी पता चल जाता है, लेकिन स्लीव्स की जो चौड़ाई होती है, क्योंकि ये कम भी नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट बैठनी चाहिए, तो इसमें आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा मार्जिन कितना लेना है वो मैं आपको सिखाऊँगी। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे स्लीव्स की चौड़ाई कैसे निकालते हैं। अब देखिए, जब भी हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, आप चाहे कपड़े के ऊपर कटिंग करो या पेपर के ऊपर कटिंग करो, जब भी आप ब्लाउज़ की कटिंग करते हो तो ये चेस्ट के हिसाब से हमें कैसे निकालना पड़ता है, ये देखिए। अभी आर्मोल जो है, आर्मोल की चौड़ाई जो हम चेस्ट के हिसाब से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जैसे गले की चौड़ाई आप निकाल सकते हैं, शोल्डर उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। आर्मोल भी मैंने आपको बताया है कि वो पूरा चार्ट मैंने डिटेल्स में आपको अपलोड किया है, तो उसमें जो भी आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और उसके बाद जो चौड़ाई होती है स्लीव्स की वो निकालना नहीं आता, तो यहाँ पर मैं आपको स्लीव्स की चौड़ाई निकालना बताती हूँ। अब देखिए, जब भी हम आर्मोल लेते हैं तो इस तरीके से लेते हैं, और स्लीव्स की चौड़ाई लेनी है तो यहाँ पे आपको इस तरीके से नापनी है। जो आर्मोल होता है ये यहाँ से यहाँ तक हमें चेस्ट का 1/4 लिया है, उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लेने के बाद ये 1.5 इंच भी इसमें काउंट करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ये आता है 8.5 इंच, यहाँ तक क्रॉस में आपको नापना है, ये आता है हमारा 8.5 इंच। जब हमारा 8.5 इंच हमारा स्लीव्स का नाप आता है तो आपको क्या करना है, पेपर या कपड़ा आपको लेना है, और उसके बाद ये देखिए 8.5 इंच आता है तो आपको क्या करना है, इसकी चौड़ाई जो है वो 9 इंच पे लेनी है, तो यहाँ पर आपको 0.5 इंच इसमें प्लस करना है, 0.5 इंच इसमें आपको प्लस करना है। तो ये देखिए, 0.5 इंच यहाँ पे प्लस करेंगे, क्योंकि लंबाई तो समझ में आ जाती है, लंबाई जैसे हमारी 5 इंच है तो हम 6.5 इंच लेते हैं, तो यहाँ पे हम लंबाई लेंगे, उसके बाद 5 इंच हमारी तैयार है तो इस तरह से लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो चौड़ाई है ये नापते हैं, जितनी हमारी वो चेस्ट के हिसाब से आती है, जितना चेस्ट का नाप होगा उसमें आपको 1.5 इंच लेना है एक्स्ट्रा, तो वो हमारा ये बढ़ जाता है। छोटा नाप होगा, चेस्ट का नाप यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे 1.5 इंच आएगा, तो ये कम भी हो जाता है। छोटा नाप होगा तो ये क्रॉस में जैसे कम आता है, और बड़ा नाप होगा तो ये क्रॉस में ज़्यादा आता है, लेकिन छोटा हो या बड़ा कौन सा भी नाप क्यों ना हो उसमें 0.5 इंच आपको प्लस ही करना है। अब देखिए, लंबाई में तो हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, और चौड़ाई में जो क्रॉस नापने के बाद आपको 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधी एक लाइन खींचनी है। अब देखिए, सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ पे आपको 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद 1 इंच हम सीधा लेते हैं और 1 इंच हम सीधा लेंगे। अब 1-1 इंच लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा 1 इंच लेने के बाद इस तरह से इसमें ज्वाइन करना है, ये जो बाजू का शेप है इस तरह से लेना है, ये बाजू का शेप जो है वो बैक साइड का शेप है, जो हमने बाजू का शेप दिया है ये हमारा बैक साइड का है, अभी हमें फ्रंट साइड का शेप देना है, तो 1 इंच आपको सीधा लेना है और इसमें से आपको ये बाजू का दूसरा शेप जो है वो निकालना है और इसमें आपको ज्वाइन करना है। ये देखिए, यहाँ पे आप फिनिशिंग के साथ इसको बाजू का शेप देना है, और दोनों के बीच में आपका 1 इंच का गैप होना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे 1 इंच का आपका गैप होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सीधा
इस तरह से लेना है। और यहाँ आपका जो स्लीव्स की जो चौड़ाई है, जैसे 6 इंच हमारे स्लीव्स की चौड़ाई है तो इसे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो ये 7.5 इंच बन जाता है। तो यहाँ पे आपको तिरछा इस तरह से लेना है और इसमें आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पे ये फिटिंग इस तरह से आएगी और ये इस तरह से। अब देखिए, ये बैक साइड में ज्वाइंट होता है और ये फ्रंट साइड में ज्वाइंट होता है। अब यहाँ पे मैं आपको कटिंग भी करके बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो 1 इंच लिया है वो सीधा ही आपको कट करना है। और दूसरा जो बाजू का शेप है यहाँ पे आपको इस तरीके से कट करना है। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने आपको स्लीव्स की चौड़ाई जो है वो कैसे निकालनी है ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट बैठ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सेंटर से आपकी ये फ्रंट साइड होगी तो सेंटर से आपको इसे ज्वाइन करना है और यहाँ पे आपको इस तरह से ये ज्वाइंट होता है। तो सेंटर से आपको इसे ज्वाइन करना है। सेंटर से इसे ज्वाइन करने के बाद ये सेम परफेक्ट आती है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको स्लीव्स बताई है, कटिंग करके बताई है और कैसे निकालना है ये भी मैंने आपको बताया है। अब देखिए, जब भी आप स्लीव्स की कटिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो आपका जो स्लीव्स का नाप जो है वो भी परफेक्ट आएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि ये बेसिक लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अब देखिए, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।